देवियों और भाइयों मैं उत्तर प्रदेश का हूं और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता ही है बाप भी बेटे का नहीं होता अब <laughs> और जहां से मैं आता हूं वहां पे अब यूपी के बारे में बहुत सारी चीजें आपने सुन रखी होंगी उनमें से एक चीज ऐसी है कि अगर आपकी गाड़ी किसी से टकरा जाए तो गाड़ी के सामने वाला जिसकी टकराती है वो आपके पास आता है बहुत प्यार से गाड़ी का शीशा उतारता है आपके कॉलर पे हाथ रखता है और कहता है कि जानता है मैं कौन हूं तो जो लोग भी मुझे आज से पहले से जानते थे उन लोगों के टेंडर में जितने भी राइट साइब राइट राइट स्वाइप हों सारे के सारे मैच कर जाएं और जो नहीं जानते वो घबराएं नहीं उनका कुछ लाइफ में छूट नहीं गया है जानने के जानने के लायक मेरे बारे में बस इतना है कि मैं हिंदी या हिंदुस्तानी में लिखता हूं और मैं जिस तरीके की कहानियां लिखता हूँ वो आप सारे लोग कान में धीमे से बताते हैं कि भाई किसी से कहना मत और गलती से मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं और वो भी ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं एक प्राइवेट कॉलेज से और वो भी ऐसा वैसा कॉलेज नहीं जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होता था गलती से मैं एक एमबीए भी हूँ बताया इन्होंने और वो भी ना तो आई से और ना ही एक्सल से आई का कोई गम नहीं हुआ मुझे नहीं होने का लेकिन एक्स का चूँकि मैंने गाना सुन लिया था वो कि एक्सल की कुड़ियाँ वेरी वेरी स्मार्ट तो वो एक आध कहानियाँ ज़िंदगी में मिस हो गई गलती से मैं एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ हिंदी मीडियम स्कूल का और गलती से मैं मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म ले लिया हालांकि जो ये आखिरी गलती थी मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाली ये मैंने खुद नहीं की थी तो मिडिल क्लास फैमिली के बारे में आपको पता ही है कि हम वो लोग हैं जो हवाई जहाज़ में जब जाते हैं ना तो घर से आलू का पराठा और आम का अचार लेके जाते हैं तो मेरी मम्मी का बचपन में सबसे बड़ा सपना ये था कि जो उनके बच्चे हैं जब वो बात करें तो आपस में अंग्रेज़ी में बात करें तो मेरी बहन मेरे को बोलती थी यू फूल और मैं उसको जवाब देता था यू आर एन इडियट तो ये सुन के मम्मी बहुत खुश होती थी कि चलो कोई बात नहीं बच्चे अंग्रेजी में तो बात कर रहे हैं <laughs> खैर अब हम लोग चूंकि मिडिल क्लास के थे तो हमारे यहाँ जो मेहमान आते थे वो भी मिडिल क्लास से आते थे और जब अंकल आ चुके होते और प्लेट की 80 परसेंट नमकीन निपटा चुके होते और एक कप चाय पी चुके होते तो हम दोनों बच्चों को बुला लिया जाता

मैं फिर जवाब देता और उसके बाद फिर मम्मी वो कहती जो कहे बिना हिंदुस्तान की कोई माँ तो माँ नहीं बन सकती कहती बेटा वो पोएम सुनाओ अंकल को तो मैं सुना था कि मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओगे तो डर जाएगी इतने में मछली का गला घोट के मेरे को बीच में रोक दिया जाता और मम्मी कहती कह रहे वो इंग्लिश वाली पोएम सुनाओ जॉनी जॉनी वाली, वाली जो पिछले हफ्ते याद कराई थी तो मैं वाली पोएम याद सुनाता उनको ये सिलसिला था इसके बाद हुआ था क्या कि जो अंकल आते वो अपने बच्चे के स्कूल की तारीफ करते है कि भाभी जी इतना अच्छा स्कूल है कि हमारे बच्चे का कि इसको खेलने का तो टाइम ही नहीं मिलता इतना तो होमवर्क दे देते हैं स्कूल वाले और जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है स्कूल की वो ये है कि वहाँ पे अगर आप हिंदी में बोलो तो दस रुपये फ़ाइन पड़ता है तो अब ये सब था ए, कि फ़ाइन पड़ता है और ये सब बातें थी अब मैं आपको बता दूँ आपका काम आसान करने के लिए कि हिंदुस्तान में कम से कम दो तरीके के लोग हैं एक जो प्रो मोदी हैं और बाकी जो बचे हुए लोग हैं लेकिन 2011 के ग्यारह के सेंसस के हिसाब से हिंदुस्तान में तीन तरीके के लोगों की प्रजातियां पाई जाती हैं एक दो परसेंट ऐसे लोग जो अच्छी अंग्रेज़ी लिख लेते हैं और बोल लेते हैं उस तो वह से बहुत सारे लोग आप भी हो गए यहाँ पर जैसे कि शशि थरूर साहब हैं कि अच्छी अंग्रेज़ी लिख लेते हैं और बोल लेते हैं उसके बाद जो आठ से दस लोग हैं ये वो लोग हैं जिनकी इंग्लिश एवरेज एवरेज ही होती है उनको लगता है कि अच्छी है लेकिन होती एवरेज ही है जैसे कि अपने मोदी जी हैं इसके बाद के 85 टू 90 परसेंट लोग वो होते हैं जिनकी जिनका अंग्रेजी से कोई वास्ता नहीं होता उनको कोई अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं आती मैं थोड़े दिन पहले एक टॉक देख रहा था जहां पे एक स्पीकर ने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा कि आई एम सो सॉरी आई विल स्पीक इन हिंदी और मेरी आज की सारी बातचीत इस आई एम सो सॉरी पे टिकी हुई है होता क्या है देखिए मेरे को अंग्रेजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं जिस तरीके की नौकरी करता हूँ जिस तरीके की मैंने पढ़ाई की मुझे कोई समस्या नहीं है अंग्रेजी मुझे अंग्रेजी पंथी से प्रॉब्लम है अंग्रेजी पंथी क्या होती है जैसे आपने सुना होगा ना जैसे एक्सेंट में हम लोग बात करते हैं हम लोग या फिर जैसे हर दो लाइन के बाद यू नो वट आई मीन वाली अंग्रेजी पंथी या फिर जैसे हर उस आदमी को अनपढ़ या गवार समझना जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता वो अंग्रेजी पंथी है मैं जब भी आ, आप किसी भी शहर में चले जाइए हिंदुस्तान के आप जब देखेंगे वहाँ पे तरह तरह के बोर्ड लगे रहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट के और वहाँ पे तरह तरह की बातें लिखी रहती हैं कि खाओ इंग्लिश पियो इंग्लिश जियो इंग्लिश बोलो इंग्लिश इंग्लिश अपनाएं पर्सनैलिटी बनाएँ इंग्लिश नहीं तो पर्सनैलिटी नहीं और जो सबसे अच्छा मैंने पढ़ा था कहीं बिहार में मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर तो तोता भी अंग्रेज़ी बोलने लगता है ये कहीं ना कहीं जो ये इंस्टीट्यूट हैं जो ये सारे के सारे हज़ारों लाखों में जो हैं ये उस इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बताता ये हमारे बारे में एज अ सोसाइटी बताता है कि हम लोग अंग्रेज़ी बोलने को लेके कितना ऑब्सेस्ड हैं कितना सीरियस मुल्क है हम लोग कि हम ऐसा लगता है कोई मंगल ग्रह से आए तो लगेगा उसको कि यहाँ पर तो पूरा देश एक ही काम करने में लगा हुआ है किसी तरीके से अंग्रेज़ी बोलना सीख जाए तो खैर मैं जब कहीं अच्छा इसमें जब आप इनके बोर्ड होर्डिंग देखेंगे जब ये इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों के तो आप देखेंगे कि वहाँ के जो बच्चों की फोटो है ना वो आईआईटी और मेडिकल के जो क्लियर किए हुए बच्चे होते हैं आईआईटी वगैरह उनकी जैसी उदास शक्लें नहीं होती इनकी ना इनके चेहरों पे मोटे मोटे चश्मे होते हैं इन लोगों के चेहरों पर कॉन्फिडेंस की चमकार होती है मैं जब कहीं लेक्चर के लिए जाता हूँ तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप कभी नेशनल एंथम बजता है तो आप क्या खड़े होते हो मोस्टली ज़्यादातर लोगों का जवाब हाँ होता है जे की बात नहीं कर रहा इसके बाद मैं पूछता हूँ कि आप में से अपने देश को कितने लोग प्यार करते हो ज़्यादातर लोगों का जवाब हाँ होता है फिर जे की बात नहीं कर रहा इसके बाद मैं पूछता हूँ कि अगर ये बताओ आप देश को प्यार करते हो तो आपको क्या अपनी मदर टंग से प्यार है इसका जवाब भी ज़्यादातर हाँ होता है इसके बाद मैं असली सवाल पूछता हूँ कि अगर इतना ही प्यार है अपनी मातृभाषा से तो ये बताओ कि तुमने आखिरी किताब अपनी मातृभाषा की कब पढ़ी थी और इसका जवाब आप लोगों के चेहरों पे है इसका जवाब ज़्यादातर ना होता है होता क्या है कि जब आप हम बोलते हैं ना कि आई लव माई कंट्री आई लव माई इंडिया आपने कभी सोचा है कि आपके देश में आपकी भाषा भी आती है खैर जब हुआ क्या ये सब हुआ क्यों मैं उसकी कहानी बताता हूँ 1947 के बाद से 15 अगस्त एक सबसे बड़ी क्रांति हुई इस देश में वो हुई 91 में जब हमारी इकनॉमी खोल दी गई सन 2000 आते आते बहुत सारे काम हमें आउटसोर्स होकर आने लगा कॉल सेंटर से लेके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक अब कॉल सेंटर ने जो इस तरीके की नौकरियाँ पैदा की सडनली आपके पास इंग्लिश जानना एक स्किल हो गया इंग्लिश जान के आपको नौकरी मिल सकती थी जबकि जब आपकी अपनी भाषा जो भी हो तमिल तेलगू हिंदी मराठी गुजराती केवल उसको जानने से कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी साथ में जब आई टी भूम आ रहा था जिसके बारे में हम लोग का कॉमन परसेप्शन है कि दुनिया में हम सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं जिसका मुझे अपने आप में जो डाउट है बट फिर भी एक आ रहा था जो मिडिल क्लास का एक जो ड्रीम था देखिए मिडिल क्लास हमारे किस तरीके के सपने देख रहे हैं हम लोग हम लोग चाहते हैं कि लड़का आई टी में हो जाए नहीं हो तो आई एम में हो जाए आई टी आई एम अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं चलो प्राइवेट कॉलेज से कहीं से इंजीनियरिंग कर ले उसके बाद का जो सबसे बड़ा सपना है कि भाई अगर कहीं से इंजीनियरिंग कर ली तो इनफी या टी सी एस में नौकरी लग जाए उसके बाद अगला सपना ये है कि इन टी में लग गई तो किसी तरीके से ऑन साइड चला जाए अब ऑन साइड चला जाए तो आने के बाद वो अरेंज मैरिज कर ले आने के बाद वो अपना टू बी एच के थ्री बी एच के कहीं पर फ्लैट बुक कर ले ये मिडिल क्लास के ड्रीम है ना मिडिल क्लास एक्चुअली पैसों से मिडिल क्लास नहीं होता है हम लोग सपनों से मिडिल क्लास होते हैं तो ये जो सारा का सारा सपने थे ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में पूरे हो रहे थे क्योंकि आई का बूम था और उसमें किस तरीके के लोगों की ज़रूरत थी जो बेसिक इंग्लिश जानते हो ठीक ठाक कोडिंग वोडिंग कर लेते हो और क्लाइंट से बात कर सकते हो तो इसके बाद से ये धीरे धीरे सोसाइटी में जाने लगी है बात 2000 के आसपास आप ध्यान करिए जब सस्ती एयरलाइंस लॉन्च हुई उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने हवाई जहाज़ पे चढ़े और जब मिडिल क्लास को लगा कि यार ये चीज़ें तो अपर क्लास वाला करता था और वो धीरे धीरे उसके लिए जो चीज़ एस्पिरेशनल थी वो उसको मिलने लगी हाथ में तो उसने जो सबसे पहले अपना बिहेवियर चेंज किया उसने ठीक वैसे ही काम करने शुरू किए जो अपर क्लास करता था वैसे ही बिहेव करना वैसे ही ब्रांडेड कपड़े पहनना वैसे ही बातचीत करना उस तरीके के होने की कोशिश की क्योंकि अभी तक उसको लगता था कि ये मेरे हाथ में नहीं है और जो सबसे पहली चीज़ जब मिडिल क्लास का आदमी चेंज करता है या लोअर क्लास जब मिडिल क्लास की तरफ बढ़ता है तो जो कॉमन चीज़ थी भाषा वो सबसे पहले छोड़ देता है उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब हो रहा था तो आप कभी ध्यान करिए जो अंग्रेज़ी है हमारी सोसाइटी में उसने शुरू से भी कम्युनिकेशन एक जरिया है उसने कास्ट सिस्टम की तरह काम किया था हमारे लिए जो अंग्रेज़ी बोल लेता था वो अभी भी गोरा साहब हो जाता था आप देखिए अब अभी आप बहुत सारे लोगों ने फ्लाइट में चढ़े होंगे आप लोग अब देखिए कई बार पड़ोस में ऐसे अंकल या आंटी बैठे होते हैं जिनको पानी मांगना है लेकिन वो पूरी जान लगा देंगे उनके सर गर्दन से अलग होकर गिर जाए लेकिन फिर भी पानी अंग्रेज़ी में ही मांगेंगे और या फिर जो एक दूसरा ब्रीड है जो पानी मांग ही नहीं पाएगा पी ही नहीं पाएगा हम लोग बहुत सारी चीज़ों में नंबर वन है उनमें से एक ये भी है कि हमें अपनी भाषा अपनी बोली बोलने में शर्म आती है हम इसमें भी नंबर वन है अनफॉर्चुनेटली अब हुआ क्या धीरे धीरे आस पास आपके ये बात इस्टेब्लिश होने लगी कि यार ये तो बाई वाले की भाषा है ये तो आपका ऑटो वाला बोलता है हिंदी या जो भी भाषा है जो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता वो तो डाउन मार्केट है वो तो उसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है आप कभी जो आपके कभी ध्यान दीजिए आपके आसपास जो लोग भी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते वो आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं आपकी बाई वाला आपका ऑटो वाला आपका ड्राइवर आपके कपड़े प्रेस करने वाला ये लोग एक दिन के लिए भी स्ट्राइक कर देंगे तो बैंड बच जाएगी आपकी आप कभी देखिए उनसे बात करिए उनके सपने क्या हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं वो वही करवाना चाहते हैं अपने बच्चों से ताकि कुछ भी ऐसा करके वो अंग्रेज़ी बोलें अच्छा पढ़ें कि उनको वो काम ना करना पड़े जो उनके पेरेंट्स कर रहे थे और इस चक्कर में पहली चीज़ जो छूटती है जो पहली चीज़ से आदमी को नफ़रत होती है वो अपने बोलने के ढंग से अपनी भाषा से होती है अब होता क्या है कि हम लोग आज की डेट में दो तरीके की भाषाएं है बोलते हैं एक हमारे पेट की भाषा जो कि अंग्रेजी है जिसमें हम नौकरी करते हैं मोस्टली जो ज़्यादातर लोग जिसमें काम करते हैं इसमें ई लिखते हैं और दूसरी हमारे दिल की भाषा जो कि हिंदी या मराठी या गुजराती जिसकी जो भी भाषा हो हम लोगों की असली भाषा मालूम है क्या होती है जिसमें हम लोगों ने लोरी सुनी होती है वो भाषा जिसमें हम सपने देखते हैं वो भाषा जिसमें प्यार में पढ़कर हमने पहली चिट्ठी लिखी होती है पहली कविता लिखी होती है वो भाषा बहुत ही आसान तरीके से बता दूँ वो हमारी असली भाषा वो होती है जिसमें हम गाली देते हैं और आप मानेंगे नहीं हम जिसमें देते हैं वही होती है हमारी असली भाषा और होता क्या है जब हम अपनी भाषा हम छोड़ते हैं तो हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं फेक होती जाती है और आप एक चीज़ मानिए कि जब आप आइडेंटिटी अपनी छोड़ते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी फ्रीडम छोड़ते हैं वो फ्रीडम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फ्रीडम जिसके लिए हज़ारों लोगों ने जाने देनी दी। हम धीरे धीरे मैं एक पैरल खींचता हूँ बाहर का पॉबलोनरुदा और हनपामुक मुरा इन सबके नाम आपने सुने होंगे बहुत बड़े राइटर इनको करोड़ों लोग दुनिया में पढ़ते हैं इन तीनों में एक बात कॉमन है इनमें से कोई भी इंग्लिश में नहीं लिखता ये तीनों लोग अपनी अपनी भाषाओं में लिखते हैं एक स्पेनिश में लिखता है एक जापनीज में लिखता है एक टर्किश में लिखता है और जबकि आप हमारे यहाँ देखिए बाईस ऑफिशियल लैंग्वेज में कोई ऐसा एक राइटर है जिसको दुनिया भर में करोड़ों लोग पढ़ते हों क्यों नहीं है क्योंकि हम अपनी भाषा की केयर नहीं करते हम अपने लिटरेचर की केयर नहीं करते ऐसी कोई बुरी बात नहीं है लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि हम केयर नहीं करते और फिर हम एक दिन बड़ा ड्राइंग रूम में बैठ के फिलोसफिकल हो जाते हैं यार वो अंग्रेजी में तो कुछ भी बिक जाता है ना कुछ भी चिकलेट लिख देता है कोई उसका रीज़न बहुत पीछे से आता है असली बात क्या है कि अब देखिए ये सारी बातें मैंने बता दी ज्ञान के तरीके से कि हम लोग अब कर क्या सकते हैं एम बी ए क्या है मैंने तो सल्यूशन भी देना पड़ता है तो आप लोग सारे लोग सोशल मीडिया पे हो गए आप कोशिश करिए कि हफ्ते में एक दिन एक दिन आप जो भी अपडेट करें जो भी आपकी भाषा है बंगाली मराठी तमिल तेलुगू आप उसमें अपना स्टेटस अपडेट करें आप साल भर में अगर दस किताबें पढ़ते हैं तो कोशिश करिए कि एक आध किताब अपनी भाषा की जो भी आपकी हो उसमें पढ़ के देखिए आप कुछ आप एक बार जब कहीं जाते हैं गार्ड कहीं एंट्री कराता है कहीं रजिस्टर में तो एक बार आप देखिए वहाँ पे अपना नाम अपनी भाषा में लिख के देखिए कि कितना सुंदर लगता है और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि फ्यूचर बहुत सारे डिसाइड करेगी कि आगे क्या होने वाला है हमारी भाषाओं का आप एक किताब लाइफ में देखिए एक आध किताब भर की जिंदगी सबकी होती है अगर एक किताब भर की भी आपके पास लाइफ आपकी इतनी अनइवेंटफुल रही है कि आप एक किताब भी नहीं लिख सकते तो ऐसी जिंदगी से बढ़िया है कि मरी जाए आदमी तो आप अपनी एक भी किताब अगर आप लिखिए तो आप अपनी भाषा में लिखिए क्योंकि जब आप अपनी भाषा में ख़राब किताब भी लिखेंगे ना तो भी आपके आसपास की दुनिया में उस भाषा का दायरा बढ़ेगा और जब दायरा बढ़ेगा तो लोग रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे मुझे उम्मीद है उन लोगों से जिनके भी बच्चे नहीं हैं यहाँ पे कल को आप बच्चे जब पैदा करेंगे तो उनको बहुत सारी अच्छी बातें सिखाइएगा और अंग्रेज़ी और भी अच्छे से सिखाइएगा क्योंकि अंग्रेज़ी बहुत ही अच्छी भाषा है लेकिन उसको अपनी भाषा की रिस्पेक्ट करना भी सिखाइएगा साथ में क्योंकि क्रांति जो है ना वो दिल्ली में आज़ादी आज़ादी चिल्लाने से कभी नहीं आएगी क्रांति बहुत चुपचाप आती है उसको हमारे आपके जैसे लोग लेके आते हैं और एक लखनऊ के बहुत बड़े शायर हैं मातवी साहब माधवी साहब का पैदाइशी नाम था हनुमान प्रसाद शर्मा इन्होंने उर्दू सीखी और उर्दू में शायरी करते थे और बहुत अच्छी ऐसी शायरी करते थे कि अच्छे अच्छे उर्दू वाले शर्मा आ जाएँ माधवी साहब से एक बार किसी ने पूछा कि माधवी साहब ये बड़ा आदमी कौन होता है तो मातवी साहब ने जवाब दिया कि बड़ा आदमी वो होता है जिसके साथ बैठ छोटा महसूस ना हो मैं उनकी बात में बस एक बात और जोड़ूँगा कि कोई भी आदमी इसलिए नहीं बड़ा हो जाता क्योंकि वो अंग्रेजी बोल लेता है और कोई इसलिए छोटा नहीं हो जाता कि अंग्रेजी नहीं बोल पाता मैं चाहता तो आज भी अंग्रेजी में बोल सकता था ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ ताकि लोगों को लगे कि मैं शायद अंग्रेजी बोल लेता हूँ <laughs> मैं चाहता तो अंग्रेजी में बोल सकता था लेकिन मैं जानबूझ के हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि हिंदुस्तान के करीब 500 शहरों करीब 8000 कस्बों करीब छः लाख चालीस हजार गाँव में रहने वाले लड़के लड़कियों को ये लगे कि वो किसी भी स्टेज पर जाके अपनी भाषा में बात कर सकते हैं उनको कहीं छोटा महसूस ना हो उनको ये ना हो कि किसी कल को दिव्य प्रकाश को अपनी स्पीच शुरू करने से पहले ये बोलना पड़े कि आई एम सो सॉरी आई विल स्पीक इन हिंदी और तमिल और तेलुगु और मराठी और बंगाली और एक आखिरी बात एक एच जैक्सन ब्राउन जूनियर नाम के एक राइटर हैं अंग्रेजी में उनकी एक कोट है नेवर मॉक अ पर्सन हु स्पीक्स ब्रोकन इंग्लिश इट मीन्स दे नो दी अदर लैंग्वेज और मुझे आप सब लोगों से बहुत उम्मीद है मुझे बहुत उम्मीद इस बात की है कि कल की जो सुबह होगी ना वो ठीक वैसी होगी जैसी हम और आप मिलके उसको आज शाम को बनाएंगे धन्यवाद